मैं डॉक्टर अमित शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा चल रहा था मैथ का, जिसमें परसेंटेज पे हम लोग बात कर रहे थे। तीसरा क्लास होगा, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिशत में जो चुनाव संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मतदान से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, तो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टाइप इसमें बनेंगे, विधिवत एक एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले चुनाव का एक कंसेप्ट जो बनता है उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो चुनाव होता है, इलेक्शन, चुनाव जो होता है उसमें सबसे पहली चीज आती है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, क्योंकि जो किसी निर्वाचन क्षेत्र की पॉपुलेशन होगी उससे ही मतदाता निकलेंगे। तो चुनाव में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इलेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है किसी निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो टोटल पॉपुलेशन मतदाता तो हो नहीं सकती है, मतदाता होने की कुछ शर्तें हैं कि 18 प्लस अगर उसकी आयु होगी तभी उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। तो जो जनसंख्या से निकलेगी वो निकलेंगे पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड वोटर, पंजीकृत मतदाता, मतदाता। अब ये पॉपुलेशन का कुछ भी हो सकता है, 50%, 60%, 75%, 80%, लेकिन जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं अपने आप में अपनी पहचान के साथ 100% होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन का 70, 80, 50 कुछ भी हो सकता है। जो पंजीकृत मतदाता होते हैं इनमें से दो तरह के मतदाता होते हैं, एक वो जो मताधिकार का यानी मतदान करने जाते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक तो रजिस्टर्ड वोटर वो हैं जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं यानी वोट डालने जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि इतने परसेंट वोटिंग हुई, 70% वोटिंग हुई फला निर्वाचन क्षेत्र में, 80% वोटिंग हुई, तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए 100 लोग रजिस्टर्ड मतदाता हैं और 60 लोगों ने डाला, तो हम बोलते हैं कि 60% वोट पड़े। अब यहाँ पे जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं, एक आपके होते हैं ऐसे लोग जो वैध मत डालते हैं, वैध मत देते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो अवैध मत देते हैं, अवैध मत, ठीक है। अब ये जो वैध मत होते हैं ये नेचुरली 100% होते हैं अपने आप में, लेकिन पड़े मतों का जो टोटल मतदान हुआ है उसका 80%, 70%, 90% हो सकता है। इसी तरह से अवैध मत भी अपने आप में 100% है लेकिन पड़े मतों का 10-5% हो सकता है। अच्छा, जो हार जीत का फैसला होगा वो हमेशा वैलिड मतों से होता है। अगर दो कैंडिडेट हैं, एक जीतता है एक हारता है, तो इनकी जो हार जीत का फैसला होगा या मिले वोट इनको जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड मत होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यानी हार जीत का फैसला किसी भी परिस्थिति में अवैध मतों से नहीं बल्कि वैध मतों से होगा, वैलिड मतों से होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है इसका, आप इसको ध्यान से देखिएगा। किसी क्षेत्र की जो पॉपुलेशन होती है निर्वाचन क्षेत्र की, उससे रजिस्टर्ड वोटर निकलते हैं। रजिस्टर्ड वोटर दो तरह से होते हैं, एक वे जो मतदान करते हैं, एक वे जो मतदान नहीं करते हैं। फिर जो मतदान करते हैं उसमें वैलिड और इनवैलिड होता है, लेकिन हार जीत का जो फैसला होता है वो हमेशा वैलिड मतों से होता है। तो इसी कंसेप्ट पे टोटल सवाल डिपेंड है, एक एक करके हम देखेंगे और उनके आंसर देंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मैं सरल से कठिन की तरफ एक एक करके चलूँगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी साधारण सा है। अच्छा, इसमें हमने तीन पॉइंट लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नहीं दिया है, अगले वाले में ऑप्शन दिया है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 53% मत प्राप्त हुए और वह 7200 मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ पे आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कुल पड़े मतों की संख्या क्या है, ये भी पूछ सकता है विजयी उम्मीदवार को मिले मत क्या हैं,
और ये भी पूछ सकता है कि हारने वाले उम्मीदवार को मिले मत क्या है, यानी कोई भी क्वेरी हो सकती है। तो इनमें से किसी का भी जवाब देने के लिए आप तैयार रहेंगे। अच्छा, जो चुनाव में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है वो होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट। नंबर ऑफ कैंडिडेट के बीच ही मतों का वितरण होता है। तो यहाँ पे जो भी मत पड़े वो नेचुरली 100% है, जो भी मत पड़े वो 100% है। दो उम्मीदवार हैं तो ये दो उम्मीदवारों के बीच बटेगा। यहाँ पे जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे 53% मिला है, निश्चित रूप से हारने वाले को 47% मिला होगा। अगर जीतने वाले को 53 मिला है तो 100 से 53 घटा देंगे, 47 हारने वाले को मिला है। अच्छा, ये व्यक्ति चुनाव इसलिए जीत गया है कि इसे 6% अधिक मत मिले हैं, और ये चुनाव इसलिए हार गया है क्योंकि इसे 6% कम मिला है। अब कहा जा रहा है कि ये 7200 मतों से चुनाव जीत गया है, तो 7200 की वैल्यू क्या है, 6%। अब यहाँ देखिए कुल पड़े मतों की संख्या क्या है, तो आप सीधा 100 रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 6 × 1 = 6 हो गया, 6 × 2 = 12 हो गया। ये दो जीरो उतार लीजिए आप और ये दो जीरो उतार लीजिए, आंसर आ गया 120,000, यानी कुल पड़े मतों की संख्या 1,20,000 है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विजयी उम्मीदवार को मिले मत क्या हैं, तो 72,000 / 6 ही रहेगा, यहाँ पे 53 आप कर देंगे, तो ये फिर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, और अगर यहीं ये पूछ ले कि हारने वाले को क्या मिला, तो 7200 / 6 और गुणे आपका 47 हो जाएगा। तो ये हारने वाले का, ये जीतने वाले का, और ये कुल पड़े मत आपके हो गए। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि 100% वोट हैं, 100% से हारने और जीतने वाले उम्मीदवार अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए कि चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को 52% मिला, द्वितीय स्थान पर रहे उम्मीदवार को 33% मिला, यदि तीसरे उम्मीदवार को 13,500 मत प्राप्त हुए तो कुल पड़े मतों की संख्या क्या है। यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं तो आप इस तरह से 3 लाइनें खींच दीजिए। जीतने वाले को 52% मिला, सेकंड रनर को 33% मिला, निश्चित रूप से अंतिम उम्मीदवार को इन दोनों का योग करिए 85 85 100 से निकल गया, 15% मिला। अब आप बोल रहे हैं तीसरे को 13,500 मिला, तो 13,500 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और कुल पड़े मतों की संख्या अगर पूछ रहा है तो 100 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 90,000। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लेता कि जीतने वाले को क्या मिला, तो इसकी जगह 52 आ जाता, सेकंड रनर को क्या मिला, 33 आ जाता, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, कुल पड़े मतों की संख्या क्या, तो 90,000 आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं आपके सामने, और दोनों जो है आपके चुनाव संबंधी प्रश्न से जुड़े हुए हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीसरे उम्मीदवार ने 10% मत प्राप्त किए, पहले उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार से 8% अधिक मत प्राप्त किए, यदि दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या 12,300 हो तो कुल पड़े मतों की संख्या क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आप देखा करिए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्या है, 3 है यहाँ पे, तो तुरंत आप क्या करेंगे, 100% ऐसे लिख लेंगे और इसमें से 3 कैंडिडेट का स्पेस बना लेंगे। अच्छा, तीसरे उम्मीदवार ने 10% मत प्राप्त किए हैं, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। अब बचते हैं दो उम्मीदवार, 100% से अगर 10% निकल गया तो इन दोनों को मिला के क्या मिला है, 90 मिला हुआ है। तो इसको देखिए निकालने के तरीके क्या हो सकते हैं, कई तरीके से आप बांट सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्लस सेकंड ये बराबर 90 हो गया, और फर्स्ट माइनस सेकंड ये बराबर 8 हो गया, क्योंकि उससे 8% ज़्यादा मिला है फर्स्ट को। अब अगर जोड़ के आधा करेंगे तो 98/2 49% इसे मिल रहा है, और अगर घटा के आधा करेंगे तो 82/2 यानी 41% इसे मिल रहा है, तो वाकई से 8% ज़्यादा मिला। एक तरीका तो ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी, जोड़ के आधा बड़ा वाला और घटा के आधा छोटा वाला। अच्छा, यहाँ पे साधारण से तरीके और हैं, अगर आपको 2 का अंतर जो है 8 है, 2 का योग 90 है, यदि ज़्यादा वाला चाहिए तो 8 जोड़ के आधा करिए, छोटा चाहिए तो घटा के आधा। तो कोई आपको छोटा चाहिए था, सेकंड उम्मीदवार पहले निकालना था,
तो आप 90 से 8 निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 82, 82 बटा 2 करेंगे 41, इसे मिल जाएगा, 8 उठा के जोड़ दीजिए 49 उसे मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके से बांटिए, आप इसको इजी वे में बांट लेंगे। अब आपसे कहा जा रहा है कि सेकंड उम्मीदवार को 12,300 मत मिले, यानी 12,300 की वैल्यू क्या हो गई, 41%। अब कुल पड़े मतों की संख्या क्या है, तो कुल पड़े मत आपके 100 हो गए, ये 3 बार कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 30,000, यानी कुल पड़े मतों की संख्या 30,000 है। आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68% मत समझिएगा, 68% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और 980 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो मतदान तो उसने भी किया जिसने इनवैलिड मत डाले, ये अलग बात है कि हार जीत में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन आप ये पूछ रहे हो कि कितने लोगों ने वोटिंग किया, तो वोटिंग इनवैलिड डालने वालों ने भी किया है। इसका देखिए आंसर कैसे देंगे, ये 100% मत थे हमारे जो कि वैध मत थे। हार जीत का फैसला हमेशा वैलिड मतों से होता है, 100% वैध मत थे। अब इसमें से जीतने वाले को 52% मिला है, हारने वाले को निश्चित रूप से 48% मिला होगा, जब 5200 से घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। हार जीत का जो फैसला हुआ है वो 4% से हुआ, आप कह रहे हो 980 मतों से जीता है, तो 980 ही 4 है। अब आपको टोटल वैध मत चाहिए, यहाँ 100 रख देंगे, 4 दूनी 8 और 1 बच जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी 24,500 वैलिड मत पड़े। अब ये नहीं पूछा कि वैलिड मत कितने थे, उसने ये पूछा है कि कितने मतदाताओं ने वोटिंग की, तो वोटिंग इन्होंने भी की है, 68 जुड़ जाएगा और आपका सही और उचित आंसर होगा 24,568 लोगों ने वोटिंग किया, आपका सी आंसर सही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और चौकन्ना रहें, कहीं आप जल्दबाजी में ए आंसर न लगा दें और इसको अवॉइड कर दें। तो वोटिंग इन्होंने भी किया है, ये अलग बात है कि हार जीत में इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपके सामने दिए हुए हैं और इस तरह से ये 6 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं, तो इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है तो लास्ट तक में वो मैं करा दूंगा इस चुनाव वाले से संबंधित, बाकी ये 6 मेंटेन करके आप रखिए। 5वां सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल पड़े वैध मतों का, इसमें अंतर आ गया पिछले सवालों से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल पड़े वैध मतों का 57% मत प्राप्त किया और 840 मतों से चुनाव जीत गया। यदि 4% मत अवैध रहे हों तो कितने मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मताधिकार का प्रयोग तो उन्होंने भी किया है जिन्होंने इनवैलिड मत डाले, लेकिन हार जीत का फैसला कभी भी इनवैलिड मतों से नहीं होता है, हार जीत का फैसला हमेशा वैलिड मतों से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा पड़े मत, 100% पड़े मत, यानी ये भी कह सकते हैं कि मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाता पड़े मत 100%। अब इसमें हुआ क्या, 2 बातें हुई, 4% मत अवैध हो गए तो इनको तो हम हार जीत में शामिल नहीं करेंगे, 96% वैध मत है, वैलिड मत, हार जीत का फैसला यहाँ से होगा। अच्छा, अब जो वैध मत हैं ये अपनी पहचान के साथ 100% हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ वैध मतों की संख्या क्या है, 100% है, नहीं, पड़े मतों का कितने परसेंट है, तो 96% है। तो वैध मत 100% हो गए अपने आप में स्वतंत्र रूप से। अब इसमें 2 व्यक्ति आते हैं, जो जीतने वाला व्यक्ति है उसे 57% मिलता है, यानी जीतने वाला, और जो हारने वाला व्यक्ति है उसको 5700 से घटा दें, यानी 43% हारने वाले को। ये कौन से मत हैं, वैलिड मत हैं हारने वाले को, है ना। अभी 57% पाता है, इससे 14% अधिक मत पाता है, 14% वैलिड मतों से चुनाव जीत जाता है।
आप कह रहे हो 840 मतों से चुनाव जीत गया, तो 840 ही 14 है। आपको चाहिए टोटल वैलिड मत, यहाँ 100 रखेंगे, 96 नहीं रखेंगे, 100 रखेंगे, और 14 × 84 यानी वैलिड मत 60,000 हैं। ठीक है, अब यहाँ ये आंसर नहीं लगा देंगे क्योंकि हमने आपसे वैलिड मत नहीं पूछा है, हमने आपसे ये नहीं कहा कि वैध मतों की संख्या क्या है। वैलिड मत 60,000 हैं। ये पड़े मतों का या मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं का 96% है, यानी 60,000 96% है। वैलिड मत कितने हैं पड़े मतों का? 96%। आपको क्या चाहिए? यदि अवैध मत चाहिए तो यहाँ 4 रख दो गुड़े में, और कुल पड़े मत या मताधिकार का प्रयोग तो 100 रख दीजिए, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 62,500 आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी 62,500 लोगों ने, ये 12 से काट दीजिए, 12 × 5 = 60 और 12 × 8 = 96 आ जाएगा, फिर ये 4 से कट जाएगा, 2 से इधर काट दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 62,500। 62,500 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। तो आपकी क्वेरी जो थी वो ये थी और आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो अब एक काम करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको खुद लगाइए, आप लगाइए और ऑप्शन देखिए, जब ना आपको आए तो फिर अगला इसका कैलकुलेशन देखेंगे, अदरवाइज आप खुद करिए, है ना। सॉल्विंग देखने से पहले आप हल करने की कोशिश करिए, उससे उत्सुकता आपकी बनी रहेगी। अगला सवाल देखिए, मैं सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे पड़े मत आपके कितने हैं? 100%, है ना। पड़े मत जो वोटिंग हुई है वो 100% है। अभी क्या हुआ कि इसमें से 20% आपको बता रहे हैं अवैध हो गए। अब 20% अगर अवैध हो गए तो जाहिर सी बात है 80% वैध होगा। हार जीत का फैसला हमेशा वैलिड मतों से होता है, तो वैलिड मत तो नेचुरली हमारे 100% हैं। वैलिड मत 100% है, पड़े मतों का 80% है। अब इसमें से जीतने वाले को मिल रहा है 61%। निश्चित रूप से हारने वाले को इससे घटा देते हैं, 39% मिलेगा। तो ये चुनाव इसलिए जीत गया क्योंकि इसको 22% इससे ज़्यादा मत वैध मिले। 22% का डिफरेंस है, आप कह रहे हो 1760 मतों से चुनाव जीत गया, तो 1760 ही तो 22 है। आपको चाहिए 100% वैलिड मत, ये आपका ये कितना हो गया, 22 से काट दीजिए इसको, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11 और 11 × 6 = 66, 2 से काट दीजिए, 8 आ गया, 8,000, 8,000 आपके वैलिड मत हैं। अगर गलती करेंगे तो यहाँ टिक कर सकता है कोई, 8,000 वैलिड मत हैं जो पड़े हुए मतों का 80% है। तो 8,000 80% है, आपको क्या चाहिए? पड़े मत 100%, यानी 10,000। ये आपका अच्छा सा आंसर निकल आएगा, सही ऑप्शन ए होगा। कुल पड़े मतों की संख्या जो है यहाँ पे, या कितने व्यक्तियों ने वोटिंग की या कितने ने मताधिकार का प्रयोग किया, तो आंसर 10,000 देंगे। हाँ, अगर ये पूछता कि वैलिड मत कितने हैं तो 8,000 आंसर देते। तो इन क्वेश्चनों को जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर एक बार माइंड में सेटअप बन गया तो फिर आपके ये सवाल कभी गलत नहीं होंगे। बस सारा खेल यहाँ पे है कि वैलिड मत हमारे 100% है, पड़े मतों का 80% है। अगर ये चीज़ वाच कर ले गए तो कभी भी आपसे कोई फॉल्ट नहीं होगा। आइए अगले सवाल पे। ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए और आज के लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और इनका प्रॉपर हम आपको तरीका बताते हैं जिससे विद इन सेकेंड आप इसको कर लेंगे। एक भिन्न के अंश में, अंश का मतलब नॉमिनेटर, 12% की वृद्धि कर दी गई, हर में 10% की कमी कर दी गई, इससे परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त हुई, तो वो भिन्न क्या थी? जिस भिन्न में कमी या ज़्यादा किया गया, यानी मूल भिन्न क्या थी? ऑप्शन दिया है। सेम ऐसा ही सवाल ये भी है, किसी भिन्न के अंश में 250% की तथा हर में 400% की वृद्धि कर दी गई, तो परिणामी भिन्न 7/19 प्राप्त हुई, मूल भिन्न क्या है?
ऑप्शन दिए हैं। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, हर में 25% की कमी कर दी गई, तो परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त हुई, मूल भिन्न क्या है। इनको करेंगे कैसे मौके पे, और बहुत कम कैलकुलेशन में आप आंसर दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर करके दिखाते हैं। ये m/n एक संख्या लिखी है जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसमें ये चीज़ अंश है और ये चीज़ हर है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अच्छा, अंश एक मीनिंगफुल शब्द है यहाँ पे, और अपनी पहचान के साथ 100% होगा। इसी तरह से हर अपनी पहचान के साथ 100% होगा। एक दूसरे के कंपैरिजन में ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में नेचुरली 100% है। तो अगर ये 100% नेचुरली अपने आप में है, तो बढ़ने की कंडीशन में क्या होगा, 100+ हो जाएगा, और घटने की कंडीशन में 100-। यही चीज़ इसके साथ लागू होगी, प्लस या माइनस। जैसे मान लीजिए 20% की वृद्धि अंश में की गई तो 120 हो जाएगा, और अगर 20% की कमी की गई तो ये 80 हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्या, ये आप देखेंगे, अंश और हर 100% होते हैं। सवाल करने का तरीका देखिएगा, एक नज़र में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। एक भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि कर दी गई, आप 112 लिख लो। हर में 10% की कमी कर दी गई, आप 90 लिख लो। क्लियर हुआ? अंश 100% होता है, हर 100% होता है। अंश में 12% की वृद्धि की, 112, हर में 10% की कमी की, 90 हो गया। तो इसका परिणाम क्या निकला, 4/5 निकला। यदि आपको मूल भिन्न चाहिए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए लाइन खींचिए, इसको ला के इसके पास पलट दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी इसको उठा के इसके पास पलट दीजिए। अब 5 से काट दीजिए, ये 18 हो गया, और 4 से काट दीजिए, 4 × 2 = 8, और 4 × 8 = 32 हो गया, और 2 × 9 = 18, और 2 से काट दीजिए 14, यानी 9/14 आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप समझ गए, हर 10% कम हुआ है, अंश 12% बढ़ा है, परिणाम ये निकला। यदि मूल चाहिए तो इसको परिणाम के साथ पलट दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर 9/14 है। अगला सवाल फिर से आप देखिए, इसमें इसको एक बार आप समझ लेंगे जो ऊपर लिखा है, उसके बाद बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि कर दी, तो 100 तो होता ही अंश है, 250 वृद्धि की तो कितना हो गया, 350, और हर में आपने 400% की वृद्धि कर दी तो ये कितना हो गया, 500 हो गया। यानी 100+250 और 100+400, परिणाम क्या निकला, 7/19 ये परिणाम निकला। जब अंश में आपने 250% की वृद्धि, हर में 400% की, तो परिणाम ये निकला। हमें मूल चाहिए, यदि मूल चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके पास उठा के इसको पलट दीजिए, 500/350, और इसका देखिए 0 0 कट गया, 7 × 5 = 35 हो गया, 5 से काट दीजिए 10 हो गया, 10/19 आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप खुद लगाइए, और उसके बाद इससे आप चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई, क्या हो जाएगा, 120। हर में 25% की कमी कर दी गई, क्या हो जाएगा, 75। परिणाम इसका क्या निकला, 2/3। आपको तो मूल चाहिए, मूल चाहिए तो पलट दीजिए, 75/120 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 60 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 25, और 5 से काट देंगे 12, 5/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए आंसर सही है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसको इसी तरह से करिएगा। आपको इतना काम करना है, इतने से ज़्यादा नहीं करना। बस ये ध्यान रखिएगा कि अंश अपने आप में 100% होता है, हर अपने आप में 100%, यदि बढ़ाएंगे तो 100+ और घटाएंगे तो 100- हो जाएगा। जो परिणाम निकल रहा है, दिया हुआ है, उसके साथ पलट देंगे तो मूल फ्रैक्शन निकल आएगा, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो क्लास में टोटल हम लोगों ने 9 क्वेश्चन पे बात की, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।